हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शब्द के बारे में जो बड़े बड़े लोगों की नींद उड़ा देता है। यस, यू हर्ड इट राइट, हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी एक बिजनेसमैन को जितना हॉन्ट करती है उतना ही कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी करती है। कॉमर्स स्टूडेंट्स अक्सर इसके टाइप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। Am I forgetting anything? Yeah, the name of the types. One is limited liability, another one is unlimited liability. अब होता क्या है, बच्चे अक्सर limited की जगह unlimited लिख देते हैं, unlimited की जगह limited लिख देते हैं। But not to worry, इस वीडियो के बाद आप limited as well as unlimited liability दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। So आइए बिना किसी time waste के शुरू करते हैं ये concept. सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। क्या होती है ये, इसको समझने के लिए लिया है हमने एक एग्जांपल। सी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर इज दिस गर्ल नेम्ड गुलाबो। सो गुलाबो मैम ने क्या किया, एक एबीसी ऑर्गेनाइजेशन थी, एक एबीसी कंपनी थी जिसमें 10,000 रुपए के शेयर्स खरीद लिए। मतलब ये क्या बन गई है, अब शेयर होल्डर बन गई है, ऑनर बन गई है कंपनी के। खरीदे कितने के शेयर्स, 10,000 के। अब ऐसी कोई ऑब्लिगेशन है क्या कि 10,000 के शेयर्स खरीदे तो खरीदते वक्त ही पूरे पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, अकाउंट स्टूडेंट्स तो जानते हैं भैया हम पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। पहले एप्लीकेशन मनी देंगे, अलॉटमेंट मनी देंगे, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, सब चलता रहता है। तो इन्होंने अभी कंपनी को सिर्फ दिए हैं 4,000 रुपए। शेयर्स कितने के खरीदे हैं, 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, लेकिन कंपनी को अभी सिर्फ 4,000 रुपए ही दिए हैं एंड बोला है जैसे जैसे टाइम आता जाएगा देते जाएंगे बाकी के भी पैसे। अब ये तो हो गया इनका शेयर्स खरीदना इस कंपनी में, बट लिमिटेड लायबिलिटी की बात कहाँ आई? लिमिटेड लायबिलिटी की बात यहाँ पे आई कि जैसे ही इन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया एज अ शेयर होल्डर, ये बहुत ही अनलकी रही कंपनी के लिए। इनके आते ही कंपनी डूब गई। अब जब कंपनी डूबती है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे अपने असेट्स को बेच के अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ता है। भैया जिससे पैसे लिए हैं उनको वापस तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए किसी बैंक से लोन लिया हुआ है या फिर किसी फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, उनको आप पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे? और आपके पास फर्नीचर है, बिल्डिंग है, इनको भी तो आपको ठिकाने लगाना है। तो असेट्स बेच के आप क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं। बट चीजें इतनी सिंपल नहीं थी इस सिनेरियो में। एबीसी कंपनी बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी। इनके असेट्स थे सिर्फ 5,000 रुपए के। सोचिए कैसे गरीब कंपनी है, सिर्फ 5,000 के असेट्स हैं। और लायबिलिटीज थी इनकी 18,000 रुपए की। असेट्स कितने थे, 5,000 रुपए के, और लायबिलिटी कितनी थी, 18,000 रुपए की। मतलब मोटा मोटा कैलकुलेट किया जाए तो 13,000 नेगेटिव में बैलेंस था। मतलब इनको 13,000 की लायबिलिटीज के लिए पैसे जुगाड़ने हैं। अभी इन्होंने सोचा कि अभी थोड़े दिन पहले वो गुलाबो मैम आई थी, ले लेते हैं उनसे पैसे। भैया शेयर होल्डर है, ऑनर है। हम नॉर्मली यही समझते हैं ना कि कोई भी ऑनर होता है वही तो पूरा रिस्क, वही तो पूरा हर्जाना भुगतता है। बस ये सोच के हम क्या गए, गुलाबो मैडम के पास चले गए। हमने बोला, गुलाबो मैम आप तो क्या कीजिए, हमें ना 13,000 रुपए दे दीजिए क्योंकि हमें अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। ये कौन गए थे, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन वाले, एबीसी कंपनी वाले। ये चले गए गुलाबो मैम के पास कि भैया 13,000 रुपए दे दो क्योंकि आप तो क्या हो, शेयर होल्डर हो, ऑनर हो कंपनी की। उन्होंने बोला, है क्या बात कर रहे हो, 13,000 किस बात के, मैंने 10,000 के शेयर खरीदे थे जिनमें से 4,000 रुपए मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब मेरे बचते हैं मोटा मोटा 6,000 रुपए सिर्फ, आप 13,000 रुपए किस तुक से मांग रहे हो? तो उन्होंने अपना पॉइंट रखा, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी बंद कर रहे हैं, लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है, आपको तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आप तो शेयर होल्डर हो। तो ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि क्या गुलाबो मैम 13,000 रुपए पे करेंगी, क्या इनको करने चाहिए? उसका आंसर लाइ करता है कि इनकी लायबिलिटी किस तरह की थी। यहाँ पे जब वो कंपनी ज्वाइन कर रही थी तो उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी के साथ ज्वाइन किया था,
उन्होंने पहले ही बोला था मैं ये जो शेयर्स खरीद रही हूँ ये लिमिटेड लायबिलिटी वाले हैं, मैं इनके ऊपर सिर्फ उतना ही पे करूंगी जितने के मैंने शेयर्स खरीदे होंगे, उसके अलावा एक रुपया एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। सो नाउ आई गेस यू गॉट योर आंसर कि ये 6,000 से ज्यादा एक रुपया भी नहीं देंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी लायबिलिटी किस तरह की रखी है, लिमिटेड नेचर की रखी है। और लिमिटेड का मतलब क्या होता है, एक रिस्ट्रिक्शन वाली। तो इन्होंने जब ज्वाइन किया था तो इन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी के लिए ऑप्ट किया था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आज कंपनी डूबे कुछ मर्जी करे इनकी लायबिलिटी तो सिर्फ उतनी ही बनेगी जितने की इन्होंने शेयर्स खरीदे होंगे। मतलब यहाँ पे आपसे सिर्फ उतना ही पैसा लिया जा सकता है जितने की आपकी ऑब्लिगेशन आपने पहले डिसाइड की थी। अब यहाँ पे शेयर परचेज की जगह गारंटी टेकन हो सकती थी। ऐसी भी कंपनीज होती है ना जिनमें हम गारंटी लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेती 10,000 की गारंटी, तो वहां पे ये 10,000 रुपए पे करती, लेकिन उसके अलावा भी उनको पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपकी लायबिलिटी पे एक रिस्ट्रिक्शन है, वो लिमिटेड है, उसके ऊपर कुछ बार्स लगे हुए हैं जिसके बियॉन्ड आप नहीं जाओगे, ना ही आपको जाने की जरूरत है। अगर कंपनी पे मुसीबत आती है वो कितने मर्जी बड़े अमाउंट की क्यों ना हो, आपकी ऑब्लिगेशन सिर्फ इतनी बनेगी कि जितने की आपने शेयर्स खरीदे होंगे या फिर आपने गारंटी ली होगी। सो ये है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। अब आइए समझ लेते हैं साथ में हम अनलिमिटेड लायबिलिटी को भी। यहाँ पे गुलाबो मैम तो पहले ही दुखी हो गई थी तो वो चली गई, उन्होंने बोला अब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है किसी भी कंपनी के साथ, अब मुझे किसी कंपनी के कोई शेयर्स नहीं खरीदने। तो यहाँ पे नई मैडम आई है जिनका नाम है तितली। अभी तितली मैडम क्या कर रही है, इन्होंने भी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब एबीसी कंपनी में क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया, 10,000 के खरीदे शेयर्स, लेकिन पेमेंट करी है अभी अगेन 4,000 जैसी। इन्होंने भी गुलाबो मैम को देखा, उन्होंने देखा कि भैया 10,000 एकदम से देने की जरूरत नहीं है, अपन आराम आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4,000 रुपए दिए और बोला 6,000 रुपए बाद में लेते रहना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया कुछ ऐसा कि इन्होंने अपनी लायबिलिटी रखवाई अनलिमिटेड नेचर की, मतलब अब इनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड नेचर की नहीं है, अनलिमिटेड नेचर की है। आधी कॉन्सेप्ट तो आपको वैसे ही पता चली गई होगी क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो आप होगे, बाकी की कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ। अगेन तितली जी भी अनलकी थी, किस कंपनी के लिए, एबीसी कंपनी के लिए, मतलब मनहूसियत ही छाई हुई है इस पूरी कंपनी में, चाहे तितली आ रही है चाहे गुलाबो आ रही है, हो रहा है कंपनी का ही बेड़ा गर्क। सो यहाँ पे अगेन कंपनी क्या हुई, डूब गई। अगेन कंपनी को अपने असेट्स देखने थे और उनसे लायबिलिटीज पे ऑफ करनी थी। अगेन फकीरों वाली कंपनी थी, सिर्फ 5,000 के इनके असेट्स थे, 18,000 की इनकी लायबिलिटीज थी। यहां पे तितली मैम से कितना पैसा लिया जा सकता है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है 13,000 की एक्स्ट्रा, मतलब 5,000 तो असेट्स बेच के हो जाएंगी, 13,000 आपको अभी भी पे करने हैं। अब आपने सोचा यार गुलाबो मैम तो मना कर गई थी, वो तो 6,000 के ऊपर बढ़ी नहीं रही थी, अब तितली मैम के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आपके यहाँ पे था एक सुपर इंटेलिजेंट लड़का, उसने फट से शेयर बुक्स की वो खोली और उन्होंने पढ़ा कि इन मैडम की तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब ये मैडम तो फुल ऑन पैकेज है हमारी कंपनी के लिए। इन्होंने गए, ये गए तितली मैम के पास, इन्होंने बोला मैडम निकालना जरा 13,000 रुपए। अब तितली मैडम बिल्कुल कंफ्यूज, ये बोली गुलाबों ने तो नहीं दिए थे, मैं क्यों दे दूं? तो वो सुपर इंटेलिजेंट लड़के ने इन्हें एक्सप्लेन किया कि मैडम जब आपने कंपनी ज्वाइन की थी तो आपने अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑप्ट की थी, मतलब आपकी लायबिलिटी पे कोई रोक नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितना भी कंपनी को लॉस होगा आपको चुकाना पड़ेगा। अब तितली मैडम ने बोला भैया मेरे पास तो इतना कैश नहीं है, 6,000 का कैश है, ले जाओ। इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है मां, आपका घर है आपके नाम से है, आपकी गाड़ी है आपके नाम से है, आपके बैंक अकाउंट्स हैं आपके नाम से हैं, चलिए बेचते हैं सबको। अब ये बिल्कुल हक्की बक्की कि ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे।
तो इनको एक्सप्लेन किया गया कि मैम जब आप कंपनी ज्वाइन कर रही थी तो आपने क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी ली थी तो अब आपके पर्सनल असेट्स भी बेचे जा सकते हैं कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। मतलब यहाँ पे आपकी लायबिलिटी पे क्योंकि कोई रोक नहीं है सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके पर्सनल असेट्स लिए जा सकते हैं और उन्हें बेच के कंपनी की जिम्मेदारियां पूरी की जा सकती हैं। अब देखिए लायबिलिटी का मतलब ना पता होने की वजह से कितना बड़ा डिजास्टर हो गया तृप्ति मैम के साथ। ये डिजास्टर कहीं आपके साथ नहीं हो जाए इसलिए ये दोनों ही कॉन्सेप्ट में हमेशा क्लियर रहना। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ पूरी कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जहां पे आपकी लायबिलिटी पे एक रोक होती है उसके बियॉन्ड आपको कोई भी पैसा देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वेयर एज अनलिमिटेड लायबिलिटी में आपके खुद के पर्सनल असेट्स भी बिक सकते हैं ऐसा मान के रखिए। जैसे एक सोल प्रोप्राइटर होता है, एक इकलौता इंसान जो कि अपना बिजनेस चला रहा है, अगर उसको लॉस होता है, दुकान पे लॉस हुआ है लेकिन उसका घर भी बिक सकता है क्योंकि वहां पे उसकी लायबिलिटी किस नेचर की होती है, अनलिमिटेड नेचर की होती है। वेयर एज वहीं पे अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं एज अ शेयर होल्डर तो आपकी लायबिलिटी रहेगी लिमिटेड नेचर की, कितनी होगी, जितने के आपने शेयर्स परचेज किए होंगे या फिर गारंटी ली होगी। सो ये था लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में छोटा सा लेक्चर। आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके हमें ये बता दीजिए कि आगे आपके लिए और कौन सी वीडियोस लानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।